वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज पाशा पेट्स वर्ल्ड पर नागाबोली, डबिलपुरा, याकूतपुरा दोनों एरिया से आप लोग आ सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में एक एरिया है नागाबोली और यहाँ पर बहुत ही शानदार तैयार हुए हुए मदुरई है और दूसरे भी मंडी है, तो सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई। खैर से पाशा भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई। पाशा भाई, आपका जो लोकेशन है एग्जैक्टली कहाँ पर है? ये डबिलपुरा नागावली पे है जी। मोमिन हाई स्कूल लैंडमार्क है। अगर डबिलपुरा पीएस कन्वी को आ रहा तो अपन पिकअप कर लेंगे, या फिर याकूतपुरा ब्रिज के पास में भी हाँ, इधर से आ रहा तो याकूतपुरा स्टेशन से। ठीक है, दोनों एरिया आपके बिल्कुल सेंटर में है। तो आपके पास अभी क्या क्या बतलाने वाले हैं आप? उमर भाई, अपने पास तीन मदुरई है जी और एक एक विलायती है। पूरे घर के सेट जानवर है, बाहर का नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, ये गब्बर, ये विलायती भी है अभी अवेलेबल? जी अवेलेबल है। बहुत खूब। तो ये वाला जो फर्स्ट सामने बकरा है, ये मेंढा कौन सी नस्ल का है? ये मदुरई में है उमर भाई। मदुरई जी। नाम पूछने से भी गुस्सा आ जा रहा है। बहुत बहुत गर्म है उमर। बिल्कुल शॉर्ट कान में है। कितने दांत पे अभी है? ये चार फ्रेश कर रहा हूँ उमर भाई। चार दांत फ्रेश फ्रेश कर रहा। क्या वेट है इसका? 45 आएगा उमर भाई। 45 केजी लाइव वेट जी। Okay, और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने का था जब से हैदराबाद में सेट है बच्चा। इसके साथ और भी दो मेंढे थे, टोटल 3 थे। ये मैं पूरे 3 लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेल हो गए। ये एक अपने पास है। क्या प्राइस है इसका? इसका 26,500 रुपीज। 26,500 आस्किंग। किसी को अगर एग्रेसिव बकरे पसंद है तेज, तो वो लोग ये ले सकते हैं। देखे बहुत अग्रेसिव है। सामने से ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह साइज वगैरह अच्छा है। बल्कि सिर्फ फेस ही बतला रहा है, आप देखिए पीछे से भी पूरा गोल। प्राइस नेगोशिएबल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, स्लाइटली कर लेंगे उमर भाई। और इसके बाद करण अर्जुन भी है आपके पास? जी उमर भाई। ये दोनों साथ के बकरे हैं जी। शाहरुख सलमान नाम रखे हमारे, शाहरुख सलमान। ये दोनों भी प्योर मदुरई है, प्योर एक्सट्रीम क्वालिटी में है माशाल्लाह। और ये भी 3 महीने से जो बच्चे छोटे लेके आके पाले थे जी, उनके पास सेट हुए सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कब से है? मेरे पास आके 2-3 दिन ही हो रहा। 2-3 दिन जी, लेकिन मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह चुरी चारा हर वो चीज खिला के, पैलेट्स भी खिला के बता के दूंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, पूरे सेट है देखिए। और ट्रिमिंग करवा के अच्छे से, बहुत अच्छे से पाले हैं। इनके सिंग भी खींचे हुए हैं, ट्रिमिंग भी करी हुई है, तैयारी माशाल्लाह हो गई। गर्दन वगैरह मतलब एक्सट्रीम में है क्वालिटी। सामने वालों की तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अपन तो लेके आके 2-3 दिन हो रहा बिल्कुल, लेकिन आगे वाले जो पाले बहुत अच्छे से पाले अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत में बहुत अच्छे से मेंटेन करे, बहुत घट स्किन में जी, और एकदम घट बॉडी में है। वेट भी अच्छा है माशाल्लाह, 48-50 केजी सारे माशाल्लाह। प्लस है 50 केजी, अपन 48-50 बता रहे हैं। लंगर तो वगैरह भी अच्छा बड़ा जी, क्योंकि अभी जगह चेंज हुई तो 1-2 किलो का फर्क आता जी। दांत कितने हैं इनके? उन दो दांत पे एक्चुअली असल में क्या है, दोनों साथ के दो दांत पे छे, लेकिन इन्होंने 4 लगा दिए। अच्छा, फ्रेश, फ्रेश 4 अभी लगाए और हाँ, ये 2 दांत उन्होंने 2 ही पे है। हथियार देखिए माशाल्लाह, बहुत मोटे है और 2 दांत पे है। ये 2 दांत पे जी, ये हालांकि साथ के ही है, लगा दिया दांत। प्राइस क्या है इनका? ईच वन अपन इसके 26,500 पूछ रहे हैं उमर भाई। 26,500 ईच वन का जी। अगर कोई पेयर में ले रहे हैं तो रेट नहीं बोलता हूँ, लेकिन अच्छे रेट में दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कोई जोड़ा ले ले रहे हैं तो अच्छा खासा नेगोशिएबल कर देंगे। अच्छा खासा नेगोशिएबल में अच्छे रेट में दूंगा इंशाल्लाह। अगर किसी को ड्रिल करवाना हो तो आप करा के देंगे? मैं करा के देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से देखिए नेक खराब नहीं होती। जो इनकी झालर है अभी से माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छी एक्सट्रीम झालर है जी। हाँ, अब ये क्या है, घर पे पाले हुए है, अगर बाहर से कोई आता तो ड्रिल करके भी आते कंटिन्यूअसली मदुरई के। ये बच्चा भी घर पे पाला सो, इसके लिए उसके भी सिंग में ड्रिल नहीं करे जी। और ये सिंग खींचे हुए भी नहीं है? नहीं है, वो कच्चे सिंग में जी। और ये देखिए बहुत भारी सिंग के अंदर, बहुत भारी। और अगर कोई रख रहा है तक तो माशाल्लाह बहुत तैयारी हो। अच्छा, वेट गेनर जो दे रहे हैं आप अपने पास का, जो लैक्टोनाइन वेट गेनर उमर भाई, तीनों ये तो अपने हरदिल अजीज माशाल्लाह हमेशा से अपने पास ही है माशाल्लाह, लेकिन इन्हों तो बहुत तैयार हुए माशाल्लाह। इन्हों अभी दूध के दांत पे है। क्या वेट था इसका? इनका वेट तो मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ नहीं, तो जब क्या था स्टार्टिंग? जब मैं स्टार्टिंग जब लिया था 36 केजी पे था जी माशाल्लाह। उसके बाद में मैं एवरी मंथ वेट करा रहा हूँ। आप सेटिस्फाइड है? बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा अपन लिए देखिए उमर भाई, तकरीबन ये आके अपने पास 20 दिन के ऊपर हो गया और इन्हें भी अच्छा रिजल्ट दिया अपने। सप्लीमेंट कंटिन्यू सप्लीमेंट यूज होता है अपने पास, यही पैकेट पड़ी हुई है ऐसा नहीं कि जानवर बेचने का है, बोले नहीं कोई भी जानवर मेरे पास आता तो वो यूज करके देता हूँ, खिला के देता हूँ और फिर सामने से सजेस्ट भी कर रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट। विलायतियों में तो एक्सट्रीम रिजल्ट है माशाल्लाह, विलायतियों में खासतौर पर। तो अभी क्या एज है इसकी, दांत कितने हैं? ये फ्रेश 4 पे है उमर भाई। फ्रेश 4 दांत जी, दांत भी बता देंगे अपन। ये देखिए हाँ, 4 शुरू करा दी फ्रेश 4 दूर से जी। जो फ्रेश 4 कर रहा और ट्रिमिंग भी करी हुई है, ट्रिमिंग करवा दिया मैं, जीरो कटिंग पे है माशाल्लाह। अभी इसका 68 केजी अपन वेट करे हुए उमर भाई 20 दिन पहले। हाँ, तो अभी तो हुआ ही होगा, आराम से हो जाता, क्यों तो अपन इसके ऊपर 20 दिन हुआ आके, सप्लीमेंट भी यूज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाने में तो
पूछना नहीं है इनका, जी पता ही नहीं है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह चार दांत पे, बहुत साइज भी अच्छा है, वेट भी अच्छा है, सिर्फ चेहरे और पैरों पे पैचेस है, ब्लैक शेड, बाकी पूरा पिंक है, फुल पिंक, फुल पिंक कंप्लीटली। आप नेक से लेके बैक साइड तक देखिए पूरा पिंक स्किन में है, मार्बल हथियार भी अच्छे तैयार है, बहुत अच्छा है और एग्रेसिव भी बहुत है, इनो भी माशाल्लाह से बहुत एग्रेसिव है। क्या रख रहे हैं आप इसका प्राइस आस्किंग? इसका मैं 39,000 कोट कर रहा हूं, 39,000 आस्किंग जी, नेगोशिएबल है, कर लेंगे स्लाइड। अब आप दूसरे वीडियोस के हिसाब से, दूसरे रेटों के हिसाब से अपने पास थोड़ा कमी है, आप मैं भी महसूस करा ये चीज, लेकिन कैसा है कभी कभी अगर मैं इसको भी कम बोलूंगा तो फिर लोग बोलेंगे अरे भाई आप जाके रेट बढ़ा दे बराबर है, नहीं वो कमेंट्स तो आते हैं, करना चाहिए बराबर, क्योंकि तो मैं अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम से हमेशा मैं आपको अपडेट करने के भी अपने को टाइम नहीं मिल रहा, आ रहा हूँ मैं, आप लास्ट टाइम पे भी बुक करा था लेकिन सोल्ड आउट हो गया था, कैंसिल करना पड़ा, ऐसा तकरीबन लोग वेटिंग में है, जानवर आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जल्दी सेल हो जा रहा है। क्यों? सबसे मेन के देखिए आप लाके सेट करके उनको तैयार करके भेज, बिल्कुल कटिंग करवा देता हूँ, हाँ कटिंग करवा देता हूँ, फिर अपने पास दाना आदमी सामने आने के बाद में सेटिस्फाई होके लेना, यानी खिला के बटला के चेक, बिल्कुल मैं चेक करवा के देता हूँ, अभी आपको सामने चुन्नी भी रख देता हूँ, मैं भिगा के ही रखा था चुन्नी, टाइम था देने का। और ये वाला बच्चा है ये जो मदर है, ये नहीं नॉट फॉर सेल रहेंगे उमर भाई, ये इनके इनके भाई है, अच्छा। तो आ गए इन्होंने भी रेडी होंगे इंशाल्लाह, उनके बराबर होंगे। अभी खाना हुआ नहीं क्या इनका? नहीं हुआ अभी, टाइम है, बेचैन हो रहे हैं बिल्कुल, अभी कुंडा देगा तो पूरा नाचते हैं बराबर, बहुत अच्छा दाने पे उसके अच्छे से जानवर बिल्कुल तैयार है। इलायची की आप स्पीड बताइए माशाल्लाह, साथ में ये मदुरई की स्पीड देखे तो आप मदुरईयों की भी स्पीड माशाल्लाह एज इट इज जी, उसकी रस्सी आ रही नहीं असल में इस वजह से हो रहा है, ये देखिए आप सब बेचैन है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही देखिए आप, यानी बिना खा के भी तैयारी अच्छी है, उसके बावजूद खिलाएंगे तो और तैयार, दाना खाने के बाद में तो माशाल्लाह उनको नजर लगना वैसी चीज है, अल्लाह नजर से बचाए वैसे, बहुत कंडीशन अच्छी है, खिलाई पिलाई भी अच्छी करे आगे वाले भी जी, और दांत भी कम है, एज कम है, वेट अच्छा ले लिया, कंडीशन अच्छी है, ये तक तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा उमर भाई, मेरी तो उम्मीद है इससे, क्यों तो मैं थोड़ा रोक के बेचता हूँ जानवर ताकि मालूम हो ना अपने को भी, हाँ तो मैं इसके लिए आप सजेस्ट कर सकते बराबर, मैं जिसको देना है सामने से बोल के भी देता हूँ माशाल्लाह, और लेके जाके लोग मेरे पास के लास्ट टाइम के भी मेंढे बहुत दिया मैं पिलाई थी, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी लोगों के पास है पलाई पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत तो सजेशन यही है कि भाई आप जो भी कुर्बानी के लिए, आप क्योंकि रमजान के करीब है, आपके सब्सक्राइबर को रमजान में मुबारक एडवांस में, तो कल हो सकेगा चांद, अल्लाह सबको नसीब करे रमजान, बिल्कुल बिल्कुल सेहत के साथ रोजे रखने की तौफीक हिदायत दे, आमीन आमीन, और बीमारों को अल्लाह शिफा दे बेशक। ठीक है चलिए इंशाल्लाह इस तरह मैं काफी सारे अपडेट्स बताऊंगा, जो इंटरेस्टेड हो आप लोग पर्सनली विजिट करके देख लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।